Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully, you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. Tenses में हमने तमाम tenses को मुकम्मल कर लिया हुआ है. हमारा एक last lecture रहता है इसके ऊपर mixed perfect continuous tenses की एक जरा detailed लंबी चौड़ी सी exercise रहती है जिसमें हम present perfect continuous पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो फिकरात हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम उनको मिक्स्ड एक्सरसाइज में करेंगे ताकि एक तो ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएं. देखिए रूल्स रिवाइज हो जाते हैं और हमारा मकसद होता है कि अगर मिक्स पूछ लिए जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाना वो हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव और उसकी फॉर्म्स वगैरह वो आप जरा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें. दूसरी चीज लेक्चर्स हमारे टेंसेस के मुकम्मल हो गए हुए हैं. बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बेसिक लेवल के ऊपर बिगिनर लेवल के ऊपर हमने ये डिस्कस किए हैं. देखिए मैं ये हमेशा कहता होता हूँ कि कोई भी चीज है आपने अगर कोई इल्म सीखना है जब तक आप उसकी बुनियादें ठीक नहीं उसकी बेसिक्स आपकी ठीक नहीं है रूडिमेंट्रीज ऑफ दी सब्जेक्ट एबीसी ऑफ दी सब्जेक्ट ठीक नहीं है तब तक आप उस सब्जेक्ट को किसी भी तरह से अच्छी तरह समझ नहीं सकते. हमने बेसिक्स को बेहतर किया है. देखिए बेसिक रूल्स तो यही है इसको आप एडवांस लेवल पे डिस्कस कर लेंगे कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो इसमें एक्स्ट्रा आएंगे हम उसके ऊपर इसी कोर्स में मैं आपको पढ़ाते हुए आगे चल के कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. हम लाजमी इनको जो कोई हर टेंस के अंदर कोई और चीजें खास स्पेशल सी जो आ जाती हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन असल बात यह है कि आम रोजमर्रा की राइटिंग में हमें जो चीज काम आती है वो यह है कि हमें ये छोटे छोटे से रूल्स आते हैं. हमें टेंस कम अज कम ठीक तरह से लगाने तो आते हो हमें पता तो हो ये किस टेंस को हम स्टडी कर रहे हैं और जो हम लिखने लगे हैं ये किस टेंस में लिखने लगे हैं वो फॉर्म जो है वो फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स और इस तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. पैसे वाइस रहते हैं वो हमने बाद में करने हैं और फिर हम जो ट्रांसलेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे. वोकैबुलरी बिल्ड होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रीडिंग एक्सरसाइजेस विद लिसनिंग एक्सरसाइजेस. इसके बाद जब हम इन चीजों को कर लेंगे ट्रांसलेशन ऑफ पैसेजेस पैराग्राफ राइटिंग आएगी ऐसे राइटिंग जो हमारा गोल है हमने उसकी तरफ इसको मूव करना है. एंड आई होप कि जो लोग तो पहले लेक्चर से अच्छे तरीके से साथ मिले हैं काम कर रहे हैं और साथ साथ कोई रजिस्टर्स बना रहे हैं जैसे आप मेरे ये बने हुए रजिस्टर्स साथ देखते हैं. देखें You will have to work hard. There is no shortcut to knowledge, no shortcut to success. दुनिया shortcut के पीछे भागती है ऐसा है ही नहीं भी इल्म में कैसा shortcut. इसलिए पूरी मेहनत करें इस लंबे रास्ते को इख्तियार करें और अपने आप को इम्प्रूव करें. इंशाल्लाह हम इसको जो अपना अल्टीमेट गोल है उसे हासिल करके रहेंगे. कोई स्टूडेंट्स जो कि हमें रस्ते में ज्वाइन किए हैं आज पहला लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर ले बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले ताकि उनको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. वीडियोस अगर आपको फायदा दे रही हैं इनको लाइक जरूर करें और इनपे अपने कॉमेंट्स दें. अब हम इसकी जरा डिटेल्ड एक्सरसाइज देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाए. अब हम मिक्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस है क्या वो बचपन से ही चीज़ें चोरी करता रहा है. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्रा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैज़ ही बिन स्टीलिंग थिंग्स सिंस चाइल्डहुड. साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगी डाकू एक घंटे से गोली नहीं चला रहे होंगे. द डकैत्स विल नॉट हैव बिन शूटिंग फॉर वन आवर. साइंसदान कई सालों से चांद पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं. द साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू लैंड ऑन द मून फॉर मैनी ईयर्स. फिर है कि वो 1980 से इस अखबार में मुदीर की हैसियत से काम कर रहा था. ही हैड बीन वर्किंग एज एन एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर सिंस 1980. आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है
इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूसली सिंस मॉर्निंग. वो बचपन से एक नई तहरीक चलाने का सोच रहा था. ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए मूवमेंट सिंस चाइल्डहुड. नजमा दो घंटे से उसे ये बात जहन नशीन कराने की कोशिश कर रही थी. नजमा हैड बीन ट्राइंग टू बीट दिस थिंग इनटू हिज ब्रेन और माइंड फॉर 2 आवर्स, या आप इसको कह सकते हैं नजमा हैड बीन ट्राइंग टू ब्रिंग हिम होम दिस थिंग फॉर 2 आवर्स, या आप कह सकते हैं कि नजमा हैड बीन ट्राइंग टू ब्रिंग दिस थिंग होम टू हिम फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे भाई को अरसे से बदहजमी की शिकायत हो रही है. माई ब्रदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन फॉर लॉन्ग, या फॉर ए लॉन्ग टाइम. बीमार शाम से नहीं तिल मिला रहा था. द इल और सिक हैड नॉट बीन फीलिंग इल एट ईज सिंस इवनिंग. वो कई सालों से दुश्मन की कोशिशों को खाक में मिला रहा होगा. He will have been foiling the efforts or attempts of enemy for many years. वो पिछले सोमवार से मेहमानों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यानी उनकी ताक में हैं, इंतजार में हैं. They have been waiting for the guests since last Monday. बलवाई 2 घंटा से दुकानों को आग लगा रहे थे. फसाद करने वालों को कहते हैं. The rioters had been setting the shops on fire for 2 hours. क्या वो कुछ अरसा से पियानो सीखने की कोशिश कर रहा है वो होगा. Will he have been trying to learn the piano for some time? लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है. The girl has been taking medicine for 3 days. तालबे इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है. The student has been working hard for 4 months. Next sentence है, कंजूस 5 साल से एक एक पैसा जमा कर रहा था. The miser had been saving every penny for 5 years. हम 3 बजे से तैर रहे थे. We had been swimming since 3 o'clock. हम 3 घंटे से तैर रहे होंगे. We shall have been swimming फॉर 3 आवर्स. तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे हो. यू हैव बिन प्रिपेयरिंग दी स्पीच सिंस ट्यूजडे. और तुम 5 रोज से तकरीर तैयार कर रहे थे. यू हैड बिन प्रिपेयरिंग दी स्पीच फॉर 5 डेज. और तुम 1 घंटा से बच्चे को सता रहे होगे. यू विल हैव बिन टीजिंग दी चाइल्ड फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर. दरिया में कई सालों से सैलाब आता रहा होगा. The flood will have been coming or occurring in the river for many years. या हम इसको यूं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, The river will have been flooding for many years. लकड़हारा 3 दिन से कुल्हाड़ा कहाँ ढूंढ रहा होगा. Where will the woodcutter have been looking for his axe for 3 days? और क्या मेरा भाई 4 साल से नज़में लिखता रहा होगा. Will my brother have been writing poems for 4 years? Next sentence है, शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है. The hunter has not been setting net or trap for several months. मुझे अक्टूबर से अपने भाई के खत नहीं मिल रहे हैं. I have not been receiving letters from my brother since October. लोग कल से डाकू की मौत पर अफसोस नहीं कर रहे हैं. पीपल हैव नॉट बिन मॉर्निंग द डेथ ऑफ द रॉबर सिंस यस्टरडे. तोता 4 दिन से बातें नहीं कर रहा था. द पैरट हैड नॉट बिन टॉकिंग फॉर 4 डेज. निकम्मे तालबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे होंगे. द आइडल स्टूडेंट्स will not have been doing their work for many days. मल्लाह 2 घंटे से अपनी कश्तियां छोड़कर नहीं जा रहे हैं. The boatmen have not been leaving their boats for 2 hours. लोग सुबह से
सैरगाह में आ रहे होंगे. पीपल विल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे थे. पीपल हैड बीन गैदरिंग टू वेलकम द प्रेजिडेंट सिंस इवनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या कंजूस कई साल से एक एक पैसा जमा कर रहा है. हैज द माइजर बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर मैनी ईयर्स. हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं. वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक या टू रिटर्न सिंस यस्टरडे. और दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा था. द टेलर हैड नॉट बीन सीइंग क्लोथ्स सिंस ट्यूसडे. दो सहेलियां मार्च से एक दूसरे को नहीं मिल रही होंगी. टू फ्रेंड्स विल नॉट हैव बीन मीटिंग ईच अदर सिंस मार्च. क्या खराब फलों पर मक्खियां दो घंटे से बिन बिन आ रही हैं. हैव द फ्लाइज बिन बाजिंग ओवर रॉटन फ्रूट फॉर टू आवर्स. अमीर आदमी कब से आराम नहीं कर रहा है. सिंस वेन हैज द रिच मैन नॉट बिन टेकिंग रेस्ट. बढ़ई जुमा से कुर्सियां कहाँ मुरम्मत कर रहा था. वेयर हैड द कारपेंटर बिन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे. मालिक अपने नौकर को 7 बजे से सजा दे रहा होगा. द मास्टर विल हैव बिन पनिशिंग हिज सर्वेंट सिंस 7 o'clock. फिर अगला सेंटेंस है कि वो दोपहर से लकड़ी कहाँ चीर रहे थे. अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्रा है. तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा. वेयर हैड दे बिन सॉइंग वुड सिंस नून. और है कि खिलाड़ी 10 मिनट से फुटबॉल में हवा भर रहे होंगे. द प्लेयर्स विल हैव बिन इन्फ्लेटिंग फुटबॉल फॉर 10 मिनट्स. हवा भरना इन्फ्लेट. और शरारती लड़के ट्यूब से हवा निकाल रहे होंगे. द नॉटी बॉयज विल हैव बिन डीफ्लेटिंग द ट्यूब. फिर मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतजार नहीं कर रहे थे. द गेस्ट had not been waiting for food for an hour. और है नाज सोमवार से किसकी कमीज सी रही है. whose shirt has Naz been sewing since Monday. दोस्त 30 मिनट से बातें नहीं कर रहे हैं. the friends have not been talking for 30 minutes. लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे. the people had not been raising slogans for 2 hours. शेर शाम से चिड़ियाघर में गर्ज रहा होगा. द लायन विल हैव बिन रोरिंग इन द जू सिंस इवनिंग. और है कि जावेद 15 मिनट से किताबें गिन रहा है. जावेद हैज़ बिन काउंटिंग द बुक्स फॉर 15 मिनट्स. वो 2 घंटे से आवारागर्दी कर रहा था. ही हैड बिन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स. आवारागर्दी करना वॉन्डर होता है. क्या वो 10 मिनट से पूल सूंघ रहा होगा. Will he have been smelling flowers for 10 minutes? तालिबे इल्म कब से नकल कर रहा है. Since when has the student been copying? और आदमी 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे थे. Why had the men been clapping for 5 minutes? वो 1980 से खजाना नहीं दफन कर रहे हैं. They have not been burying the treasure. Since 1980, वो इस आसामी के लिए मार्च से दरख्वास्त दे रहा था. He had been applying for this post since March. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा. The farmer will have been ploughing for 4 days. परिंदे सुबह से चहचहा रहे हैं. The birds have been chirping since morning. 20 मिनट से ओले पड़ रहे थे. It had been hailing for 20 minutes. क्या लड़का 10 बजे से रस्सी को खींच रहा है. Has the boy been pulling the rope since 10 o'clock? क्या ये आदमी 2 बजे से गोता लगा रहे होंगे. Will these men have been diving since 2 o'clock? नसीमा 1980 से गर्ल गाइड की तरबियत हासिल करती रही होगी. नसीमा will have been receiving girls guide training since 1980. लड़के शाम से होमवर्क कर रहे थे. द बॉयज हैड बीन डूइंग होमवर्क सिंस
इवनिंग, माली सुबह से फूल नहीं चुन रहा था. द गार्डनर हैड नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग. वो परसों से स्कूल नहीं जाती रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस द डे बिफोर यस्टरडे. बदकिस्मत आदमी कई दिन से सोच रहा था. द अनफॉर्चुनेट मैन, द अनलकी मैन हैड बीन थिंकिंग फॉर सेवरल डेज. फिर आके खाना बदोश, जनवरी से कहाँ रह रहे हैं. वेयर हैव द नोमैड्स बीन लिविंग सिंस जनवरी. वो मार्च से शहर पर हमला करने की जरूरत क्यों कर रहे होंगे. वाई विल दे हैव बीन डेयरिंग टू अटैक द सिटी सिंस मार्च. दोस्त उसकी हौसला अफजाई सोमवार से करते रहे होंगे. द फ्रेंड्स विल हैव बीन इनकरेजिंग हिम सिंस मंडे. तुम्हारे चचा तुम्हें 2 साल से याद नहीं कर रहे थे. Your uncle had not been remembering you for 2 years. आप कई हफ्ते से मेरी हौसला शिकनी कर रहे हैं. You have been discouraging me for many weeks. तो ये एक लंबी चौड़ी सी एक्सरसाइज हमने, एक लास्ट एक्सरसाइज हमने की है इसकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज की मिक्स एक्सरसाइज है. उम्मीद है आप लोग इसको लिखेंगे, आप इस को अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट करेंगे, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे. और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि हमने 9th 10th की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है और बीए की टू दी पॉइंट जो कि आफ्ताब इकबाल की ग्रामर है, ये दोनों ग्रामर्स मैंने फॉलो की हैं. आप भी इनको फॉलो करें. इनके ऊपर और बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें. उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. Happy learning.